नोएडा से दिल्ली जाना होगा मुश्किल। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। चुनिंदा मामलों में पास दिखाए जाने पर ही मिलेगी आने जाने की छूट। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा, दिल्ली जाने आने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत। गौतम बुद्ध नगर जिले में सामने आए दो नए मामले, कुल पॉजिटिव केस की संख्या हुई 102। गाजियाबाद में फिलहाल कोई नया केस नहीं। पीएम आवास पर आज सुबह 11 बजे होगी आर्थिक मामलों की आर्थिक कमेटी की बैठक। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग, स्टिमुलस पैकेज हो सकती है चर्चा। कोरोना से लड़ने वाले लीडर्स में पीएम मोदी नंबर वन पर, अमेरिकी एजेंसी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस की रेटिंग में पीएम मोदी अव्वल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा, अप्रैल के अंत तक गाइडलाइंस जारी करने की मांग। उद्धव ने कहा, अगर सरकार को 30 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना और फैलने का अंदेशा है तो विशेष ट्रेन की हो व्यवस्था, मजदूरों का परिवार के साथ रहना जरूरी। लॉकडाउन के दौरान स्कूली किताब, इलेक्ट्रिक पंखे और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रोसेसिंग प्लांट, आटा मिलों को भी खोलने की मिली इजाजत, सीनियर सिटीजन के केयर टेकर को भी मिली छूट। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 18,985 तक पहुंची, अब तक 603 लोगों ने जान गंवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,329 नए मामले, एक दिन में 44 लोगों की मौत। अब तक 3,252 लोग रिकवर हुए, एक दिन में 705 लोग डिस्चार्ज, रिकवरी रेट 17.48%। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अच्छी खबर, 61 जिलों में 14 दिन में एक भी नया मामला नहीं। ICMR के मुताबिक देश के 69% मरीजों में नहीं थे कोरोना के कोई भी लक्षण, केवल 31% लोगों में थे कोई ना कोई लक्षण। ICMR ने अभी तक किया 4 लाख से ज्यादा सैंपल का टेस्ट। सभी राज्यों को अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट ना करने की सलाह, राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद फैसला, 2 दिन में एडवाइजरी जारी करेगा ICMR। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर लगाई रोक, राज्य में रैपिड टेस्ट किट ने 95% रिजल्ट में गड़बड़ी दिखाई। सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के निर्देश, कहा ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना होने दी जाए। देश में 539 लाख टन अनाज का स्टॉक मौजूद है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दावा, अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं। दिल्ली से आई राहत भरी खबर, 8 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना से कोई मौत नहीं, अभी तक गई 47 लोगों की जान। दिल्ली में सामने आए हैं 75 नए मामले, कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई है 2156। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी, एक हफ्ते में 611 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बने, कुल हॉटस्पॉट की संख्या हुई है 87। दिल्ली की करीब 3 लाख की आबादी पर असर, दिल्ली के LG अनिल बैजल ने शेल्टर होम का दौरा किया, सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में लोगों का हालचाल जाना। यूपी में एक दिन में बढ़ गए कोरोना के 153 नए मरीज, कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 1337, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, इनमें 31 लोग जमात से जुड़े हुए, सभी को कृपालू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया। आगरा में 65 नए केस की पुष्टि हुई है कोरोना के कारण, पिछले एक दिन में 2 लोगों की मुरादाबाद और 1 की अलीगढ़ में मौत। मुरादाबाद में कोरोना के 5 नए केस, डॉक्टरों पर हमला करने वालों में 5 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुरादाबाद में पुलिस पर पथराव करने वाली 2 महिला गिरफ्तार, ड्रोन तस्वीरों में कैद हुई थी हरकत, पुलिस ने लगाई है कई गंभीर धाराएं। जमातियों को शरण देने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 30 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में 16 विदेशी जमाती भी शामिल, फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती, पुलिस ने लॉकडाउन न तोड़ने की दिलाई शपथ। सीतापुर में 3 बांग्लादेशी समेत 4 जमातियों को अस्थायी जेल में किया गया शिफ्ट, इलाज के बाद कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी में छात्रों से फिलहाल ट्रांसपोर्ट फीस न लेने का आदेश, प्रमुख सचिव ने सभी DM स्कूल और शिक्षा निदेशकों को चिट्ठी लिखी। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा का आदेश, कहा किसी भी स्कूल में छात्रों से अगले 3 महीने के लिए फीस जमा करने का दबाव न बनाया जाए। लखनऊ में CM योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की, ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने की बात कही, हॉटस्पॉट के आसपास के लोगों की जांच बढ़ाने के आदेश। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, अब तक टोटल संख्या 15। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार पहुंचा, 522 नए केस की पुष्टि हुई है, कुल पॉजिटिव केस 2,218 हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत, अकेले मुंबई में 12 लोगों की गई जान, राज्य में कोरोना ने अब तक ली है 251 लोगों की जान। केवल मुंबई में कोरोना के 355 मरीज बढ़ गए, मुंबई में कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 3,451, मुंबई में अब तक 150 की मौत। धारावी में 62 साल के शख्स की कोरोना के कारण मौत, 12 नए केस के साथ आंकड़ा 179 पहुंचा। महाराष्ट्र में सीएम आवास पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी निकली पॉजिटिव, संपर्क में आए 6 लोग क्वारंटीन।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ली। लॉकडाउन तोड़ने के केस बढ़ने पर लिया गया फैसला। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा FIR दर्ज हुए। 22 मार्च के बाद से ही कार्रवाई जारी। मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकले। कांदिवली इलाके में लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। महाराष्ट्र में अब तक 49 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। 121 पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने के आरोप में 411 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 70 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1500 के पार। अब तक 80 लोगों की मौत। MP के उज्जैन में एक और कोरोना वायरस वॉरियर पुलिस वाले की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना पीड़ित पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत पाल की मौत। गुजरात में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2178 हुई। एक दिन में 19 लोगों की मौत। गुजरात के आधे से ज्यादा केस अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 130 तक बढ़ा। जिले में अब तक कुल 1378 मरीज की पुष्टि हुई। राजस्थान में कोरोना के 159 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1735 पहुंचा। नालंदा के बिहार शरीफ में एक डॉक्टर सहित परिवार के 16 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। दुबई के एक रिश्तेदार के संपर्क में आने से इन्फेक्शन हुआ। बिहार में कोरोना के 13 नए मामले। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 126 पहुंची। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंचा। 29 नए केस सामने आए। केंद्र से पश्चिम बंगाल भेजी गई टीम ने हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्रीय टीम की जांच से था एतराज। सेंट्रल टीम को रोकने के मामले में सरकार ने पश्चिम बंगाल को जारी किया निर्देश। कहा टीम के काम में बाधा ना डाली जाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात का जायजा लेने गई केंद्र की टीम पर सियासत तेज। TMC ने एडवेंचर टूरिज्म करार दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर सवाल उठाया। कहा कोरोना से मौत का ऐलान करने के लिए ऑडिट कमेटी का क्या मतलब। लीपापोती का जताया शक। CM ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके का दौरा किया। लोगों से घरों में रहने की अपील करती दिखी ममता। अपने साथियों पर ड्यूटी के दौरान हमलों के विरोध में देश भर के डॉक्टरों का आज से 2 दिन का विरोध प्रदर्शन। IMA ने आज कैंडल जलाने का ऐलान किया। डॉक्टर 23 अप्रैल को पूरे देश में मनाएंगे ब्लैक डे। काली पट्टी बांध कर करेंगे काम। मांग न माने जाने पर आगे विरोध की चेतावनी। तबलीगी जमात के लोगों का शर्मनाक रवैया जारी। दिल्ली के LNGP हॉस्पिटल में तैनात महिला हेल्थ वर्कर से मारपीट की। हेल्थ वर्कर ने खुद बताई आप भी। जयपुर के परकोटे इलाके में पुलिस वालों से कुछ लोगों ने मारपीट की। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर समझाए गए थे। हमलावरों ने पुलिस वालों पर चाकू से भी हमला किया। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने इंडिया TV को दी जानकारी। गाली गलौज के साथ वर्दी भी फाड़े गए। जोधपुर में SDRF के जवान पर पत्थरबाजी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। MP के रायसेन में मेडिकल टीम से बदसलूकी। अलीगांव के लोगों ने टीम को गांव में घुसने से रोका। 8 लोग पाए गए हैं कोरोना के पॉजिटिव। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने से रोकने गई पुलिस पर हमला। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मैसूरू में आशा कर्मी को धमकी देने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। आशा कर्मी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी थी। अररिया में होमगार्ड के जवान को उठक बैठक कराने का मामला सामने आया। कृषि मंत्री ने आरोपी पदाधिकारी को नोटिस भेजा। मौके पर मौजूद ASI को सस्पेंड करने का भी आदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 150 बसें भेजी गई कोटा। छात्रों को वापस लाएगी बस। रवाना होने से पहले सैनिटाइज किए गए बस। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड शुगर बढ़ने की वजह से ठाणे के अस्पताल में भर्ती। पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की वजह से खुद को किया था क्वारंटीन। तबलीगी जमात के प्रमुख मोहम्मद साद ने की अपील। कोरोना से ठीक हो चुके जमातियों से ब्लड प्लाज्मा दान करने को कहा। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी सफल। रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्लाज्मा थेरेपी का ICMR से अप्रूवल मिलना बाकी। भोपाल की तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने पेशे की एक मिसाल। कोरोना के वजह से दम तोड़ने वाले एक शख्स का अंतिम संस्कार किया। परिवार ने किया था इनकार। लखनऊ में एक महिला कांस्टेबल 9 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी पर आने को मजबूर। पति भी पुलिस में है। हजरतगंज थाने में तैनात है महिला कांस्टेबल। बिहार के शिवहर में पुलिस ने छोटी सी बच्ची को घर पहुंच कर दिया गिफ्ट। फेसबुक पर बच्ची के पहले जन्मदिन की मिली थी जानकारी। दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के लोगों ने इलाके को खुद कंटेनमेंट एरिया बनाया। किसी को भी बेवजह आने जाने की इजाजत नहीं। खुद कर रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग। दुनिया भर के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंचा। 80% मामले केवल यूरोप और अमेरिका में। 172,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार। एक सप्ताह में 2 गुना हुआ आंकड़ा। ट्रंप ने 60 दिन के लिए सस्पेंड किया ग्रीन कार्ड के आधार पर मिलने वाला इमिग्रेशन। अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बचाने का तर्क। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर में गवर्नर के स्टे होम आदेश के खिलाफ प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। कारोबार शुरू करने की मांग।
इटली के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के दिए संकेत, का हल्की चूक से अभी तक की मेहनत पर फिर जाएगा पानी। इटली में 4 मई तक लागू है लॉकडाउन। इटली में कोरोना के मामलों में कमी आना जारी, पिछले एक दिन में 534 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 24,648 हुआ। फ्रांस में भी कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, पिछले 24 घंटे में गई है 500 से ज्यादा लोगों की जान। ब्रिटेन में कोरोना के कहर से कोई राहत नहीं, पिछले 24 घंटे में 828 लोगों की मौत, अब तक 17,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। इमरान खान की चेतावनी, लोगों ने कोरोना को लेकर सरकार के आदेश को नहीं माना तो रमजान के दौरान बंद कर दी जाएंगी मस्जिदें। इमरान खान से मुलाकात करने वाले सोशल वर्कर फसल एधी का हुआ कोरोना टेस्ट करा सकते हैं इमरान खान। मुंबई के नागपाड़ा में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए एक होटल में लगी आग, 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोरोना संकट के दौरान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर पूंछ के 2 सेक्टरों में की भारी गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। शोपियान में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, 3 आतंकी गिरफ्तार। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार, 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलवट बने कैबिनेट मंत्री, कमल पटेल, मीना सिंह और गोविंद सिंह राजपूत को भी मंत्रिमंडल में जगह। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पालघर मॉब लिंचिंग की घटना की निंदा की, कहा पालघर में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जोधपुर के किसानों ने अलग अंदाज में पीएम मोदी का जताया आभार, गेहूं की फसल से मोदी लिखकर अपना उत्साह जताया। जम्मू कश्मीर के चौकी बल में एवलांच के बाद फंसे एसडीएम का भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, ड्राइवर को भी बचाया। पंजाब में एएसआई हरजीत सिंह के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 15 डॉक्टर्स की टीम को मिलेगा डीजीपी ऑनर। पटियाला मंडी में एएसआई पर निहंग सिख ने किया था हमला। यूपी के हापुड़ में सांप्रदायिक टकराव का मामला, पुलिस ने 12 लोगों को मामले में किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में एक कांस्टेबल ने दरोगा की डंडे से पिटाई की, थप्पड़ भी बरसाए, वीडियो वायरल होने पर हुआ सस्पेंड, मामला भी दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में 12 बोतल शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार किए गए लोगों में एक तेलंगाना यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी। ऐतिहासिक गिरावट के बाद संभला अमेरिकी तेज बाजार, एक बैरल तेल की कीमत हुई है $10 तक।